द स्काई वॉज क्लियर एज अ स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप। आसमान ऐसे साफ था जैसे नीले रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन में पानी। चीनी मिट्टी के बर्तन में पानी। ही केम टू द क्लियरिंग, वह साफ जमीन पर आ गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, या रात्रि के बाद रात्रि में हुई वर्षा के कारण ताजगी भरी और हरियाली पूर्ण थी। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज। और अंत वह चिटकनी से संघर्ष करता था, अंत में उसने उस पर काबू पाने के लिए हिरनी को के बच्चे को नीचे उतार दिया। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसके मन में एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वह घर में जाएगा। इन द पैनिस बेडरूम विद द फोन, पैनी के बेडरूम में फ़ोन के साथ। वॉकिंग बिहाइंड हिम, कि जो हिरनी का बच्चा है वो उसके पीछे चल रहा होगा। बट एट द स्टेप, लेकिन सीढ़ियों पर द फोन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब अप देम, लेकिन जो सीढ़ियाँ थी वो सीढ़ियों पर हिरनी शावक ने उसे निराश कर दिया था और उसने सीढ़ियाँ चढ़ने से इनकार कर दिया था। ही पिकड इट अप, उसने उसे उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर्स पैनी एंड वेंट टू हिज फादर, और वह उसने उसे उठाया और उसे अपने पिता के पास ले गया। द पैनी लिव विद क्लोज्ड आइज, पैनी था जो उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और लेटा हुआ था। जोनी कॉल्ड पा लुक, जोड़ी ने कहा पा देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी ने अपना सिर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उसके पास खड़ा था। द फोन क्लस्ट हार्ड अगेंस्ट हिम, और हिरनी शावक कसकर उसके साथ जकड़ा हुआ था। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, पैनी को ऐसे लगा जैसे लड़की की आंखें हिरनी शावक की आंखों के समान चमकीली थी। ही सैड, उसने कहा आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने इसे पा लिया है। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, जोड़ी फिर अपनी रसोई घर में गया। द फोन क्लच्ड सॉरी द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और जो हिरनी का बच्चा था डगमगाते हुए उसके पीछे गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और सुबह के दूध का एक बर्तन रसोई की अलमारी में रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और मलाई उस पर आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम, उसने मलाई को दूध से छाना। इन टू द जग, और एक कमंडल में डाला। ही पोर्ड मिल्क इन टू द स्मॉल गॉड, और उसने एक कमंडल में डालकर ही हैड इट आउट द फोन, और उसे हिरनी के बच्चे को दे दिया। इट ब्यूटेड इट इट बटेड इट सडनली, उसने अचानक से सूंघ कर उसे धकेल दिया। स्मेलिंग मिल्क की स्मेल लेकर इसे धकेल दिया। ही सेव्ड इट प्रीशियसली फ्रॉम स्पीलिंग ओवर द फ्लोर, उसने दूध को व्यर्थ हो जाने से उसने जो दूध को व्यर्थ हो जाने से फर्श पर बह जाने से बचा लिया। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियां मिल्क में भिगोई। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और शावक के गीले और नरम मुंह में डाली। ही इट सक्ड हिम ग्रीडली, उसने बड़े लालचवश उसे चूस लिया। व्हेन ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने दोबारा जब अपनी उंगलियां डाली। एज अ फोन वॉज सक्ड, और फोन ने फिर से उसे चूस लिया। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे धीरे उसने उन्हें दूध में डाल दिया और शावक बढ़कर दूध चूसने लगा था। द फोन ब्लीव एंड सक्ड एंड स्नॉर्टेड हिम, और शावक ने नाक से आवाज निकालने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मेल हूफ्स इम्पेशियंसली, उसने अधीरता पूर्वक अपने छोटे छोटे खुर हैं जो वो जमीन पर पटके। इट्स
एज लॉन्ग एज ही हैड द फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क मिल्क जितनी देर उस तक उसने अपनी उंगलियों को दूध की सतह से नीचे रखा द फोन वॉज कंटेंट अब शावक संतुष्ट था इट क्लोज्ड इट आइज ड्रीमली उसने मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर ली इट वॉज एक्सटेड टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड उसकी जीभ को अपने हाथों पर महसूस करना मंत्रमुग्ध करने वाला था इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ जो उसकी छोटी पूंछ सी ऊपर नीचे हिल रही थी द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन स्वर्ल्ड ऑफ फोम एंड ग्रगलिंग जो दूध का आखिरी घूटता एक झाग के रूप में गलपने की ध्वनि में लुप्त हो गया था आई होप आप आज का जो पाठ है आपको समझ में आया होगा।